हेलो गाइस वेलकम टू अभियान आई एकेडमी आई एम वेदवीर और आप सबका स्वागत है हमारी नई मुहिम फाइव मिनट सीरीज ओनली फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट तो यहां पर हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है उसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है एक वीडियो में डिस्कस करते हैं जो रेलिवेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए आज की जो हमारी क्लास की यूनिट है उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं हम एस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मार्केटिंग टर्म्स के लिए तो वहां पर हम जो है इन तीन टर्म्स में हम जो है चीजों को मार्केटिंग में समझेंगे सेगमेंटेशन e और पी स्टैंड फॉर पोजिशनिंग जब भी कोई कंपनी मार्केटिंग के बारे में सोचती है तो उसको ये तीन प्रोसेस जरूर करने पड़ते हैं सबसे पहला प्रोसेस सेगमेंटेशन दूसरा प्रोसेस टारगेटिंग तीसरा प्रोसेस पोजीशनिंग। अब क्या है ये एस चलिए देखिए, सेगमेंटेशन में क्या है आप धीरे धीरे क्या कर दोगे पूरी जो मार्केट है उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे सेगमेंटेशन में आपने जो हैोजीनियस मार्केट है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ये ग्रुप्स आपने बना लिए ये किड सेक्शन बना लिया आपने अ न्यूटेबल बेसिस हो सकता है आपने जेंडर के बेसिस पे बनाया है हो सकता है आपने लोकेशन के बेसिस पे बनाया है या हो सकता है कि आपने एज के बेसिस पे बनाया इनकम के बेसिस पे देर आर डिफरेंट डिफरेंट बेसिस ऑन विच यू कैन डिवाइड द मार्केट सेगमेंट जो आपने स्मॉल पोर्शन बनाया है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट ठीक है सेगमेंट का मतलब एरिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जितनी भी चीजें रहेंगी वो क्या रहेंगी सिमिलर टेस्ट नीड प्रेफरेंसेज सबका सेम रहेगा इसीलिए तो हमने सेगमेंट बनाए हैं अगर आपने एज के हिसाब से बनाया तो एक पर्टिकुलर एज का जो आपने सेगमेंट बनाया है उन सबकी टेस्ट प्रेफरेंसेज सेम रहेगी इनकम के हिसाब से बनाए उन सबकी इनकम एक पर्टिकुलर उसमें सेगमेंट में सेम रहेगी आप कंपनी सब पे टारगेट नहीं कर सकती है सब पे फोकस नहीं कर सकती इसलिए कंपनी ने क्या करा ये सिलेक्ट कर लिया कि भैया हम जो आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो किसके बेसिस पे बनाएंगे वो इस सेगमेंट के लिए बनाएंगे ठीक है कंपनी ने सबसे पहले सेगमेंट बनाए कि मेरे क्या क्या सेगमेंट्स हैं उसके बाद कंपनी ने क्या करा एक सेगमेंट डिसाइड करा कि हम इस सेगमेंट में डील करेंगे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इनकम के अकॉर्डिंगली क्या करा तीन कैटेगरी बनाई कौन कौन सी अपर लोअर मीडियम अब कंपनी डिसाइड कर रही है कि भाई हम अपर में रहेंगे लोअर में रहेंगे मीडियम में रहेंगे कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल डिसाइड किया कि भाई हम मीडियम में रहेंगे या हम अपर में रहेंगे तो वहां पे कंपनी जो डिसाइड कर सकती है कि सकते हम कौन से सेगमेंट को टारगेट करेंगे अब कंपनी आगे की जो स्ट्रेटेजी बनाएगी वो उसके अकॉर्डिंगली बनाएगी उसका प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन करेगी उसका प्राइस प्लेस प्रमोशन ये सब कंपनी उसके अकॉर्डिंगली ही डिजाइन करेगी अब कंपनी मान लो आपने प्रोडक्ट को ऑफर करा कंपनी ने बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट जो वो आपके लिए ऑफर करे अब कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है उसको लेके क्या माइंड में अपनी जो इमेज है वो क्रिएट करी है पोजिशनिंग का मतलब होता है कि आपने कस्टमर के माइंड में क्या इमेज क्या पोजिशन जो वो सेट करी है दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग सेगमेंट बना लिए टारगेट सेट कर लिया टारगेट सेट करने के बाद कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेके क्या इमेज सेट कर रहा है क्या परसेप्शन बना रहा है क्या उसकी इमेजिनेशन है दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है हमारे मार्केटर के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि हमारा सेगमेंट क्या है हमारा टारगेट कस्टमर कौन है और हमारी जो ब्रांड की जो इमेज है जो पोजिशन है वो क्या है इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर देखिए सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप और कंज्यूमर उसको हम क्या बोलेंगे सेगमेंट सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है और सेगमेंट वो कैटेगरी होती है टारगेटिंग टारगेटिंग का मतलब होता है मोस्ट अट्रेक्टिव जो सेगमेंट है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो और जो फोकस करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है पोजिशनिंग का मतलब होता है हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट आपका जो कंज्यूमर है आपके प्रोडक्ट को लेके क्या इमेज सेट कर रहा है क्या उसके माइंड में आपने पोजिशन जो वो सेट करी है दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग आई होप ये चीज क्लियर हो गई सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग सेगमेंट में आपने डिवाइड कर दिया एक पर्टिकुलर टारगेट सेट कर लिया प्रोडक्ट ऑफर करा प्रोडक्ट ऑफर करने के बाद आपने क्या पोजीशन सेट करी इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग चलिए सेगमेंटेशन में आपने ये चीजें बता दी कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या हैं और उसको सेवरेंट डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे आपने क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन राइट चलिए सेगमेंटेशन हमारा डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हो सकता है जोग्रफिकल सेगमेंटेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कंट्री और रीजन और इनके हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं डेमोग्राफिक भी हो सकता है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एज जेंडर ऑक्यूपेशन इसके बेसिस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं बिहेवियर के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि मतलब हम कोई सामान कब खरीदेंगे कैसे खरीदेंगे कहाँ से खरीदेंगे दैट इज ऑल्सो बिहेवियरल उसके बाद आपका जो साइकोग्राफिक हो जाएगा साइकोग्राफिक में आपकी हॉबीज है लाइफ स्टाइल हैबिट्स हैं और एक्टिविटीज आपकी जिस तरीके की हैं वो सारा आपका जो साइकोग्राफिक में आपका आ जाएगा इसमें टेस्ट प्रेफरेंसेज वगैरह जो है वो आपका बिहेवियल में आ जाएगा कितने बल्क में क्वांटिटी खरीद रहे हो कितने ओकेजनली खरीद रहे हो रेगुलर यूजर हो नॉन यूजर हो ब्रांड स्विचर हो वो सब आपका बिहेवियल में आ जाएगा तो इसके हिसाब से कंपनी जो वो एक से ज्यादा बेसिस पे भी सेगमेंट कर सकती है हो सकता है कंपनी ने जेंडर के बेसिस पे करा और इनकम के बेसिस पे करा कंपनी इस तरीके से भी कंपनी जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो बना सकती है चलिए टारगेटिंग मतलब कि कंपनी ने अपना टारगेट सेट कर लिया कि भाई मैं इस इस ग्रुप में टारगेट करना चाहता हूँ या इस तरीके से मेरा ये ग्रुप रहेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं फोकस करना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग तो कंपनी उसके हिसाब से अपना इंटिव रखेगी और देखेगी कि भाई किस तरीके से मैं जो अपना टारगेट करना चाहता हूँ ठीक है कंपनी लार्जर सेगमेंट मतलब जो है कंपनी किस बेसिस पे अपना टारगेट करेगी कंपनी साइज़ देखेगी कि भाई मेरा साइज़ क्या है और उसके हिसाब से कंपनी ये देखेगी कि भाई मैं आगे उसको स्केलेबिलिटी पे ले जा सकता हूँ और जिसमें कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा उसका उसको कंपनी चूज करेगी और कंपनी रीचेबिलिटी पे भी चूज़ करती है कि मैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन पे जा सकता हूँ मेरा मार्केट का साइज़ क्या है मेरा जो कस्टमर बैकअप है वो किस तरीके का है तो इस तरीके से कंपनी जो अपना मार्केट जो टारगेट है वो सिलेक्ट करेगी चलिए उसके बाद आता है आपका पोजिशनिंग

जो है एप्पल स्ट्रेटी एप्पल ने इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करा तो एप्पल ने क्या करा कि जब अपना सेगमेंटेशन करा तो उसने ये देखा कि भाई एप्पल ने अपनी जो सेगमेंटेशन करी वो किसके बेसिस पे करी डिज़ाइन पे क्वालिटी पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे और इन्होंने ये सोचा कि भाई हम जो है वो इस तरीके से अपनी जो इमेज है वो सेट कर सकते हैं और उन्होंने एक डिफरेंट प्रोडक्ट एक डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिज़ाइन कर दिया और उसके हिसाब से एक पोजिशनिंग जो वो अपनी सेट कर ली ठीक है चलिए नाइकी की बात करें तो ऐसे ही नाइकी ने भी ये देखा कि भाई हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है एथलीट्स वगैरह हैं उस पर एक फोकस इनका रहता है कि भाई रनिंग वगैरह के लिए इनको एक ब्रांडेड चीज जो वो प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट है तो उसने एक सर्वे करा और सर्वे करने के बाद उसने जो वो अपने शूज वगैरह अपने लॉन्च करे मार्केट में और उन्होंने जितने भी स्पोर्ट्स और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स और सपोर्टिंग प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करे हैं जो अपने मार्केट में सर्वे करने के बाद ही इन्होंने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे तो पहले अपना एक सेगमेंट डिसाइड करा है उन्होंने कि भाई हम किस सेगमेंट में रहना चाहते हैं और अपना टारगेट ग्रुप अपना सेट करा और उसके हिसाब से एक पोजीशन जो वो इन्होंने मार्केट में सेट करी नेक्स्ट है आपका एमेजोन अमेजॉन भी इसी तरीके के मतलब चीज़ है अमेजोन एक पर्टिकुलर पहले सेगमेंट में था पहले बुक्स के सेगमेंट में था फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना सेगमेंट बढ़ाया, और इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर आप जो है वो उसमें प्रोडक्ट अपना डिलीवर कर सकते हो तो इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट बनाया वो इस तरीके से बनाया कि भाई ए से लेके जेड तक हम कोई भी प्रोडक्ट जो वो हमसे आप ले सकते हैं तो ये इन्होंने सेगमेंट पहले डिसाइड किया कि भाई हम किस किस सेगमेंट में डील करेंगे उसके बाद इन्होंने टारगेट कस्टमर सेट किया है और उसके बाद एक ब्रांड इमेज अपनी जो पोजिशनिंग है इन्होंने बनाई नेक्स्ट है आपका कोको कोला कोको कोला जो है वो भी हमारी इसी तरीके की एक कंपनी है जहां पर इन्होंने जो था पहले एक व... फॉरेन कंट्री में ये था लेकिन हमारे यहाँ जब मार्केट में आया तो लोगों ने उसको जो निग्लेक्ट कर दिया लेकिन फिर इसने क्या करा मार्केट में एक सर्वे कंडक्ट किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई हम किस कैटेगरी के लिए जो वो इसको लॉन्च करें फिर उन्होंने जो वो यंगस्टर जो थे उनको टारगेट किया और यंगस्टर को टारगेट करने के बाद मतलब जो है यहाँ पर इस पोजिशन तक इन्होंने अपनी पोजिशनिंग बनाई क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल है दे ऑल्सो डोंट प्रेफर दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जो किड्स हैं वो भी उसको फॉलो नहीं करते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे तो इन्होंने इसलिए इन्होंने क्या करा जो यंगस्टर हैं उनको टारगेट किया चलिए थैंक यू गाइस आई होप ये जो एस ये आपको समझ आया होगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ऐसे ही मजेदार मजेदार्ट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ में तब तक के लिए थैंक यू पढ़ते रहिए खुश रहिए थैंक यू गाइस